मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेमी मार्कोव प्रोसेस। तो देखिए, आप साथ साथ में जो मैंने कल आपको फोटोज सेंड किए थे नोट्स के, वो आप देखते रहें और मैं यहाँ से आपको उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फर्स्ट हम क्या कह रहे हैं, वाई टी क्या है, डिस्क्रीट स्टेट कॉन्टिन्यूस टाइम स्टोकास्टिक प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, जिसमें आपका ग्राफ बनाए आप वो वाला देखें, सैम्पल पाथ वाला। तो ओमेगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी स्टेट्स को कर रहा है, 1, 2, 3, 4, ये क्या है, आपकी स्टेट्स हैं। तो सिस्टम किस में है, स्टेट वन में है एट टिल टाइम T1, क्योंकि देखो जैसे इसने दिखाया है 0 से लेके 1 तक किस स्टेट में है, 1 में है, तो 1 यहाँ तक बना देंगे। T1 पे क्या होगा, वो पहले 1 स्टेट में था, यहाँ पे वो किस में चला जाएगा, 2 में। तो T1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो एक स्टेज से दूसरे में जा रहा है, तो स्टेट चेंज हो रही है। फिर नेक्स्ट देखो इसने क्या कहा है, एट द टाइम T1 इंस्टेंट द सिस्टम मूव्स टू द स्टेट 2। ऐसे ही अगर मैं T2 की बात करूँ तो वहाँ क्या होगा, स्टेट 2 से स्टेट 3 में जाएगा। ऐसे ही T2 पे क्या होगा, स्टेट 3 से स्टेट आगे, ऐसे मतलब T3 पे स्टेट 3 से स्टेट 4 पे जाएगा। तो T1, T2, T3, T4 ये सब क्या है, टाइम इंस्टेंट्स है, और इन पे हम क्या कह रहे हैं, जो सिस्टम है वो एक स्टेट से दूसरे पे जा रहे हैं। तो xn क्या हो जाएगा, nth स्टेट विजिटेड बाय द सिस्टम एट टाइम इंस्टेंट ऑफ nth टाइम ट्रांजिशन। तो अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, जो आपका ग्राफ है इसमें T1, T2, T3, T4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। y ऑफ t क्या है, सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई टी डिनोट द स्टेट ऑफ सिस्टम एट टाइम t, टी टाइम पे सिस्टम किस स्टेट में है ये बताएगा। देन वाई ऑफ टी एन किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स एन के। वेन एवर यू ऑब्जर्व एट टाइम इंस्टेंट द सिस्टम देन दैट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एन। अगर मैं कहूँ कि आप जाके अभी 10 बजे देखिए सिस्टम किस स्टेट में है, तो वो एक्स एन की वैल्यू है कि एन टाइम पे वो किस स्टेट में है। फिर देखिए नेक्स्ट आपकी एक स्लाइड में पॉइंट है, इफ़ द मार्कोव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड एट ऑल द टाइम All the transition time Tn, then the stochastic process described above is called the semi-Markov process. अब अगर जो हमारी Markov property है वो सिर्फ 0, T1, T2, T3 सिर्फ इन पॉइंट पे होगी, इनके बीच वाले पे नहीं सेटिस्फाइड है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, semi-Markov process। अगर हम ये कह दें कि हर पॉइंट पे Markov property सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब वो कौन सा प्रोसेस है, Markov process है। Whenever the Markov process is satisfied at time instant T0, T1, T2, T3, T4 and so on, all the time instant, the time instants are nothing but the system is moving from one state to another. So if the Markov property is satisfied at these point instant, then the stochastic process YT is called the semi-Markov process. Agar hamare paas jaise 0 से 1 तक एक इंटरवल है, और जो मार्कोव प्रॉपर्टी है वो 0 पे सेटिस्फाइड है, उसके बाद 1 पे है, उनके बीच के पॉइंट्स पे नहीं है, दैट मीन्स क्या है, वो सेमी मार्कोव प्रोसेस है। और अगर मार्कोव प्रॉपर्टी हर पॉइंट पे सेटिस्फाइड हो जाएगी, दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा, हमारे पास मार्कोव प्रोसेस बन जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट आपकी हेडिंग है जो मैंने आपको कल सेंड की थी पिक, उसमें सेमी मार्कोव प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन दी है सेमी मार्कोव प्रोसेस की, दैट इज़ दस अ स्टोकास्टिक प्रोसेस इन विच चेंज ऑफ स्टेट अकर अकॉर्डिंग टू अ मार्कोव चेन एंड इन विच द स्टेट इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रांजिशन इज़ अ रैंडम वेरिएबल हुज डिस्ट्रीब्यूशन मे डिपेंड ऑन द स्टेट फ्रॉम विच द ट्रांजिशन टेक प्लेस एज वेल एज द स्टेट टू विच द नेक्स्ट ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। हमारे पास क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो जो पहले वाली स्टेट था उस पे डिपेंड करेगा और आगे वाली जो स्टेट आएगी उस पे डिपेंड करेगा। फिर आपका उसी सेम स्लाइड में फोर्थ पॉइंट है, उसमें देखिए लास्ट में एक पॉइंट लिखा है, वाई ऑफ टी प्लस टी एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई ऑफ टी गिवन द कम्प्लीट पास हिस्ट्री वाई टी एंड एक्स एन इज इक्वल्स टू आई। हमारे पास क्या है यहाँ पे, वाई ऑफ टी प्लस टी एन इंडिपेंडेंट है किसके, वाई ऑफ टी के, मतलब पीछे वाले से उसको कोई मतलब नहीं है, टी प्लस टी एन पे उसको कोई मतलब नहीं है कि पीछे किस स्टेट में था।
एक्स एन इज इक्वल्स टू आई, इसका मतलब एनेट टाइम पे सिस्टम किस स्टेट में है, आई स्टेट में। जीरो टाइम पे भी किस स्टेट में है, आई स्टेट में, बिकॉज ऑफ टाइम होमोजेनिटी, यही इसमें बताया है। नेक्स्ट देखिए इसने क्या बताया है आपका, एक फिर नेक्स्ट पेज पे लिखा है दस इन एस एम पी, ये पॉइंट लिखा होगा, ये वो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। इफ़ दी मार्कोव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड एट ऑल दी टाइम देन दी स्टोकास्टिक प्रोसेस इज कॉल्ड मार्कोव प्रोसेस, कि अगर हर टाइम पे सेटिस्फाइड हो जाएगी मार्कोव प्रॉपर्टी तो वो क्या कहलाएगा, मार्कोव प्रोसेस कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स एन इज नथिंग बट वाई ऑफ एन, देयर फॉर दी मार्कोव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड फॉर दी स्टोकास्टिक प्रोसेस एक्स एन, नॉट फॉर दी मार्कोव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड फॉर दी वाई ऑफ टी फॉर ऑल टाइम। वही बात कह रहे हैं कि हर जगह पे सेटिस्फाई नहीं होगा, सिर्फ कहाँ पे सेटिस्फाइड होगा, जहाँ पे हमारे पास स्टेट चेंज हो रही है। नेक्स्ट देखिए इसने क्या कहा है थर्ड पॉइंट में, वाई टी इज अ स्टोकास्टिक प्रोसेस एंड एक्स ऑफ एन इज नथिंग बट वाई ऑफ टी एन, वेयर टी एन इज द ट्रांजिशन टाइम इंस्टेंट एंड द मार्कोव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड ओनली एट ऑल द टाइम, देयरफॉर एक्स इन फॉर्म एट डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन। देखिए हमारा मार्कोव जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है, जीरो पे, फिर वन पे, फिर टू पे, फिर थ्री पे, इनके बीच वाले पॉइंट्स पे तो नहीं हो रही ना। तो जब हमारे पास ये इंटीजर टाइप वैल्यू चलती है, इंटीजर वाली वैल्यूज, तो वो कैसी होती है, डिस्क्रीट होती है। तो इसलिए इसने क्या कहा है, एक्स इन कैसा फॉर्म कर रहा है, डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन कर रहा है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जीरो पे सेटिस्फाइड है, फिर वन पे, बीच में नहीं है, जीरो के बाद वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, तो ये कैसा बन जाएगा, टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है एक्सिस, तो डिस्क्रीट टाइम बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे। देखिए फिर फोर्थ पॉइंट में आपके क्या दिया है सेम स्लाइड पे, एक्स एन इज एन इमिडेड मार्कोव चेन वेयर एक्स एन इज वाई ऑफ टी एन एंड टी एन इज नथिंग बट द ट्रांजिशन टाइम इंस्टेंट, देयरफॉर टुगेदर एक्स एन एंड टी एन, ये टी एन आएगा यहाँ पे क्योंकि आपके साइड में टी एन है, कॉन्स्टिट्यूट मार्कोव रिन्यूअल प्रोसेस बिकॉज दीज आर ऑल द टाइम पॉइंट्स इन विच द सिस्टम इज मूविंग फ्रॉम द फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यह आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए आपके पास एक स्लाइड है जिसमें आपका कंक्लूजन वाला है, इन कंक्लूजन, वो आप खुद रीड आउट करेंगे, वो ईजी है, सिंपल है। उसके बाद आता है स्टडी स्टेट मेजर, तो उसमें देखिए आपको क्या बताया है कि अगर हमें एक सेमी मार्कोव प्रोसेस दिया है और हमें उसे एनालाइज करना है तो हम कैसे करेंगे, दो स्टेट में करेंगे। पहली स्टेट में हम क्या कह रहे हैं कि सिस्टम है वो स्टेट आई में है, अगर सपोज कर ले तो वो किसी रैंडम टाइम के लिए, अगर अभी हमारा सिस्टम स्टेट थ्री में है तो हम ये नहीं कह सकते वो 10 मिनट के लिए है, 20 मिनट के लिए है, फिक्स नहीं है, रैंडम है, हो सकता है 8 मिनट के लिए हो या फिर अगले में 10 मिनट के लिए हो, तो ये रैंडम रहेंगे टाइम। और हम फिर क्या कह रहे हैं, लेट अस कंसीडर दैट द टाइम स्पेंट इन स्टेट आई फॉलो अ जनरल डिस्ट्रीब्यूशन विद द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एच आई टी, कि वो जितनी देर के लिए भी स्टेट आई में है वो उतनी देर के लिए क्या करेगा, एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, एच आई टी होगा। दैट मीन्स इन दिस एग्जाम्पल एच वन टी, ये कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये जो मैंने आपको सैम्पल पाथ वाला बताया था ना, ये वाला, इस पेज की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स एच वन टी इज द टाइम स्पेंट इन दिस सिस्टम स्पेंट इन स्टेट वन, कि इस सिस्टम ने स्टेट वन में कितना टाइम दिया है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एच टू क्या है, इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम स्टेइंग इन स्टेट टू, एच टू क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे हम, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिस्टम का है, कब, जब तक वो स्टेट टू में है। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है जब हम स्टेज टू की बात करें, क्योंकि हमने कहा था कि स्टडी स्टेट मतलब एनालाइज करना है अगर सिंपल मार्कोव प्रोसेस का, तो दो स्टेज में करना है, तो पहले स्टेज के लिए तो हमें ये दो काम करने हैं। उसके बाद देखिए सेकंड स्टेज में हम क्या कहेंगे कि अब सिस्टम क्या कर रहा है, स्टेट आई से स्टेट जे में जा रहा है, तो उसकी जाने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो आपके देखिए पेज में भी लिखा हुआ है, पी आई जे इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन प्लस वन इज इक्वल्स टू जे गिवन दैट एक्स एन इज इक्वल्स टू आई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखी है। तो इसका मतलब क्या है, nth टाइम पे सिस्टम i स्टेट में था और एक्स एन प्लस वन मतलब n प्लस वन टाइम पे वो किस में चला जाएगा, j में चला जाएगा। तो हम सुरजॉन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन लिखा होगा एक वहाँ पे, उसको फॉलो कर रहे हैं।
तो वो क्या होता है, उसमें आपका मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स बनेगी जिसकी हर रो का सम 1 होगा और अंदर के एलिमेंट्स उस पूरी जो मैट्रिक्स के 0 से लेके 1 के बीच में ही होंगे, इससे ज़्यादा या कम नहीं होंगे। तो आप यहाँ तक रीड आउट कर लें, इसके बाद जो मैंने आपको स्लाइड्स भेजी है एग्जाम्पल वाली, वो हम कल डिस्कस करेंगे।